प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। बागेश्वर में विकासखंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। बागेश्वर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। प्रभारी जिलाधिकारी सीएस इमलाल ने बताया कि केंद्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, जिनसे प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हुए उनके लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के सीधा संवाद कार्यक्रम का सोशल मीडिया सहित मेन स्ट्रीम मीडिया में भी प्रसारण किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना सहित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने केंद्र पोषित योजनाओं को आम और गरीब लोगों के लिए बेहद लाभकारी बताया। मेरा नाम तारा देवी, मेरा पति का नाम खेमरा है। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, जिसमें हमें 1,30,000 रुपया मिल चुका है और मनरेगा से 95 दिन का कार्य मिल गया है। मेरे मकान का काम पूरा हो चुका है, जिसमें एक कमरा और एक किचन बनाया है। मेरा नाम देवकी देवी है, मैं ग्राम प्रसादी पल्ली विकासखंड कपकोट जिला बागेश्वर में रहती हूँ। मेरा आवास जीवन था, मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में सम्मिलित था। 2020-21 में मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला, जिससे प्रथम किस्त 60, दूसरी किस्त 40 तथा तीसरा किस्त 30,000 तथा मनरेगा से मुझे 19,380 रुपये मिले, जिससे मैंने अपने आवास तथा शौचालय निर्माण किया। मुझे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 5,000 मिली, जिससे मैंने अपने किचन के बर्तन खरीदे तथा अन्य विभागों से मुझे बिजली, पानी तथा उज्ज्वला गैस भी मिले। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पास पूर्व में जीर्ण मकान था। मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में होने के कारण 2020-21 में मुझे आवास मिला। मुझे प्रथम श्रेणी 60,000 रुपये, दूसरी किस्त 40,000 रुपये तथा तीसरी किस्त 30,000 रुपये तथा मनरेगा से 19,380 रुपये मिले। मैं अपना भवन तथा शौचालय बना लिया है तथा अन्य विभागों से मुझे उज्ज्वला गैस, बिजली, पानी आदि मिल गया है तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5,000 रुपये मिला, जिससे मैं बर्तन आदि खरीदने में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी माताजी देवकी देवी हैं, उनके पिताजी का नाम धर्मानंद है, मेरे पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय ख्यालीदत्त है। ये ग्राम पंचायत वलना पोस्ट ऑफिस फल्याटी जनपद बागेश्वर के निवासी हैं। मैं इनकी इकलौती पुत्री हूँ। मैं आजकल इनकी सेवा के लिए इनके साथ रहती हूँ। इनकी आँखों का ऑपरेशन भी कर रखा है और इसमें हमारा पहले बहुत पुराना घर, कच्चा घर था, जिसमें हमें रहने में बहुत दिक्कत होती थी। बारिश में सारा पानी अंदर आता था, कपड़े भीग चुके होते थे और कच्चा मकान था। अब हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा पक्का मकान मिला है, इसमें अब सब ठीक ठाक है। इसमें 2 कमरे, 1 किचन, 1 शौचालय पूरा हो चुका है और इसमें पहली किस्त 60,000 की मिली, दूसरी किस्त 40,000 की, तीसरी किस्त 30,000 की और इसमें जो मनरेगा द्वारा पैसा है वो भी पूरा मिल चुका है और 5,000 जो बर्तन के लिए हैं वो भी मिल गए हैं। मेरा नाम दीपा देवी, पति का नाम दिया कृष्ण, पोस्ट ऑफिस ग्राम वरना पोस्ट ऑफिस पंजाटी जिला बागेश्वर की रहने वाली हूँ। मेरा पास मकान नहीं था, टूटे फूटे मकान था। प्रधानमंत्री आवास से हमको मकान मिला। हमने 2 कमरे, 1 किचन, शौचालय बनाया। इसमें से 40,000 का, 60,000 का किस्त पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त 40,000 की मिली, तीसरी किस्त 30,000 की मिली और इसमें से मंडी का भी किसान भी दिन का लेबर चार्ज भी मिला। इसमें बर्तन का भी मिला 5,000 रुपये। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लाइट का कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है, पानी भी रखा है। इसके लिए हम भारत सरकार को कोटि कोटि
नमन धन्यवाद नमन। मेरा नाम माला नेगी है, मैं मज्जिया खेत की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री गरीब योजना से हमको 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मिले और लॉकडाउन में हमको बहुत दिक्कत आई और क्या कहते हैं इससे हमको फ़ायदा हुआ। हर एक यूनिट में 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मिलते थे प्रधानमंत्री का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार। मेरा नाम गीता रौतला है, मैं मज्जिया खेत की रहने वाली हूँ। हर एक यूनिट में 3 किलो गेहूँ 2 किलो चावल मिले लॉकडाउन में, हमको इस राशन से फायदा हुआ। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं हम लकड़ी से बनाते थे खाना। मेरा नाम से शुरू करूँ? मेरा नाम आशा देवी है, मैं खुली गाँव से हूँ। पहले से हम लकड़ी में बनाते थे, परेशानी होती थी। अब ये मोदी जी ने अच्छा किया है, उजाला गैस आया तो इसलिए अब ठीक ही हो रहा, मतलब आसानी होती है। हम प्रधानमंत्री जी का आभारी, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्कीमें चल रही हैं, जो लाभकारी स्कीमें जन सरोकारों से उसे संबंधित लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद कार्यक्रम 31 मई को प्रस्तावित है, जिसे तो सर्वप्रथम हमारा जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों का चयन प्रत्येक योजना अनुवार कर लिया गया है। और इसके अलावा जिनमें जनप्रतिनिधियों को माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगणों को और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान जो पंचायती राज से संबंधित सभी जो भी पंचायती राज से संबंधित वो जनप्रतिनिधि हैं उनको तथा संभ्रांत व्यक्तियों को तथा बैंकर्स आदि को वहाँ पे भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। और इसके अलावा वहाँ पे सीधे संवाद हेतु जो और लाइव टेलीकास्ट होगा उसका भी हम वहाँ पे लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लाइव होगा उसका भी हमने तैयारी कर ली है। और इसके अलावा जो हमारे लाभार्थी आएंगे उनके बैठने की समुचित व्यवस्था और उनको परिवहन की व्यवस्था, ये सारी तैयारी हो गई है। इसके अलावा हमारा एक मेन है जो लाभ जो योजनाएँ हैं जो स्कीम है उसका भी हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और टीवी के चैनलों के माध्यम से भी उन योजनाओं को और जिन लोगों ने इसमें सक्सेस हुए हैं उनके भी हम सक्सेस स्टोरी को भी उसमें प्रसारण करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।